नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय सिंह और आज आपके लिए कुछ प्यारी सी मीनिंग लेकर आया हूँ। अच्छी सी मीनिंग है और आज अपन इन्हीं मीनिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और इन मीनिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। ये मीनिंग बेस्ड है आपका SSC बैंक, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा व्यापम का, जो भी एग्ज़ाम जैसे जिसमें इंग्लिश आती है, SIA जेल प्रहरी हुआ, आपका टेट का एग्ज़ाम हुआ, CTET हुआ, उन सभी के लिए ये जो वॉकअप का जो कलेक्शन है ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। और ये सभी के सभी जो वॉकअप मैंने ली हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से ली हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आइए ज़रा शुरू करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करें और स्टार्ट करने में ज़रा पहला देखते हैं, लिखा हुआ है एक्सटेंट। एक्सटेंट लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव होता है हमारा और इसका मतलब होगा ऑफ समथिंग वेरी ओल्ड स्टिल इन एक्सिस्टेंस। इसका मतलब हो गया कि अभी भी वो अस्तित्व में है। आप इसे बोल सकते हैं एक तरीके से पुराना, आप इसे पुराना कह सकते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं अस्तित्व में, यानी ऐसी चीज़ जो अभी भी अस्तित्व में है, अभी भी मौजूद है। आप इसे और दूसरे शब्दों में बोलूँ तो आप इसे बोल सकते हैं मौजूदा, ऐसी चीज़ जो मौजूद है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप बोल सकते हैं दोस्तों। आगे तरफ बढ़ते हैं अपन और देखते हैं कि अगला क्या है। अगला जो वर्ड है दोस्तों लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा वर्ड है साहब, लिखा हुआ है रिवैम्प। ये जो रिवैम्प नाम का जो वर्ड है, जो वर्ब है हमारी, इसका मतलब होता है टू मेक चेंजेस टू द फॉर्म ऑफ समथिंग इम्प्रूव। वैसे जो ये जो साइन है इसका मतलब होता है, इतनी मीनिंग का मतलब होगा इम्प्रूव यानी सुधार। रिवैम्प का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट वे में अगर मैं बात करूँ तो सुधार हो गया, इसका मतलब हो जाएगा सुधार। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं, टू मेक चेंजेस मतलब कि बदलाव, बदलाव की स्थिति पैदा करना, बदलाव टू फॉर्म ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के रूप में बदलाव पैदा करना, यानी उसे इम्प्रूव करना, एक तरीके से सुधार करना, ठीक है दोस्तों। आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है भाई। अगला जो वर्ड है लिखा हुआ है रोल आउट, इसका मतलब ये एक नाउन है भैया, ये तो नीचे दिया हुआ है, मतलब है लॉन्च, यानी कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट है, आप अगर उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को आप शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि भैया रोल आउट हो गया, हमने अपना प्रोडक्ट रोल आउट किया है मार्केट में। जैसे मान लीजिए सैमसंग ने कोई नया फ़ोन बनाया तो एक डेट फिक्स कर देगा सैमसंग के, भैया हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो भाई लॉन्च कर रहा है ना उसको, रोल आउट का मतलब हो गया लॉन्च। अच्छा, उसी में देखिए जरा लिखा हुआ है हितर टू, लिखा हुआ है जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है, इसका मतलब है नाउ। नाउ यानी अब, आप इसे स्टिल भी कह सकते हैं, स्टिल का मतलब हो गया अब भी, तो आप इसे अब भी कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, लिखा हुआ है रिजिक, बहुत अच्छा वर्ड है भाई रिजिक, वर्ब है ये, टू अरेंज समथिंग, टू अरेंज समथिंग यानी कि किसी चीज़ की व्यवस्था करना, किसी चीज़ की व्यवस्था करना, इसे कहा जाता है रिजिक, ये वर्ब है हमारी, आप याद रखिएगा। अगला जो वर्ड है भाई क्या कह रहा है जरा देखते हैं, रेन, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, ये लिखा हुआ है रेन समबडी या समथिंग बैक, या फिर ये होगा या फिर इसके बाद ये होगा कि रेन समथिंग इन होगा, इसका मतलब क्या हो जाता है साफ तौर पर, इसका मतलब है चेक। चेक का मतलब हो गया एक तरीके से जाँच पड़ताल करना, यानी जाँचना, इसे कहा जाएगा चेक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, अगर हम सिर्फ इस रेन की ही बात करें, सिर्फ इसी की बात करते हैं, तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि जो घोड़े होते हैं ना, घोड़ों के मुंह में जो लगा रहता है पट्टा टाइप का, आपने देखा होगा कि घोड़े घोड़े के मुंह में पट्टा टाइप का लगा दिया जाता है, लोहे का फंसा देते हैं मुंह के अंदर, और जो लगाम होती है वो हाथ में होती है, तो जैसे घोड़ा गाड़ी वाला जब खींचता है ना घोड़े को, तो वो जो मुंह में उसके लगा घोड़े के, तो वो खींचता है पीछे की तरफ, तो घोड़ा कंट्रोल होता है उससे। तो इसका मतलब क्या हो गया एक तरीके से रेन का, सिर्फ रेन का मतलब क्या हो जाएगा लगाम, यानी कि एक तरीके से जो घोड़े की, जो घोड़े वाली लगाम है घोड़े को काबू करना, ठीक है, घोड़े को काबू करने वाला जो लगाम है उसको बोलते हैं रेन, ठीक है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन इन सेंस, हाँ बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इन एग्रीमेंट विद समबडी या समथिंग, यानी कि किसी के साथ या किसी चीज़ की अनुबंध में जाना, यानी आप एक तरीके से ये समझिए, ये जो लिखा हुआ है इन सेंस, माफ करना SYNC साइंस, साइंस तो नहीं बोलेंगे, इसका बड़ा अच्छा वर्ड है, इसे ये सिंक्रिस के नाम से भी कुछ ऐसी मीनिंग होती है इसकी, इसका प्रोनाउंसिएशन सेंस के नाम से होता है, सेंस और इन एग्रीमेंट विद समबडी। अच्छा, इसी में एक वर्ड और होता है जिसे हम बोलते हैं आउट सेंस, ये आउट सेंस भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई नॉट इन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो इन एग्रीमेंट लिखा हुआ है ना, आप ये समझ के चलिएगा, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपने आउट लगा दिया इसमें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉट इन एग्रीमेंट, यानी अब अनुबंध में नहीं है भैया कोई चीज़, कोई व्यक्ति भी नहीं है और कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये इन सेंस और आउट सेंस का बड़ा गहरा मतलब है, तो ये दोनों का मतलब आप समझ के चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आउट लगने से नॉट इन एग्रीमेंट में चला जाएगा, इन लगने से एग्रीमेंट में चला जाएगा। आगे तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ, ओहो लिखा हुआ भाई ये लिखा है फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए बात करेगा, और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ समथिंग यानी किसी किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, विशेष हिस्सा, किसी भी
किसी भी चीज का एक विशेष हिस्सा, उसे हम फैक्ट भी बोलते हैं, ऑफ समथिंग। तो ऑफ समथिंग लग के आएगा बच्चों, ठीक है। नौ नंबर पे लिखा हुआ है अनस। अनस का मतलब जो नाउन है हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जिम्मेदारी होना। आगे तरफ बढ़ते भी दस नंबर में क्या लिखा है, ओहो ड्राइव डाउन। अच्छा वर्ड है टू मेक समथिंग सच एज प्राइसेस फॉल क्विकली। आप तो इस चीज को आप डायरेक्ट इस चीज में शॉर्ट में लिख सकते हैं कि भाई डिक्रीज होना, यानी कि घटना, कोई चीज है उसका घट जाना। स्पेशली फॉर जो भी आपकी यूजल चीजें हैं जो आप दिन भर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, उसके दाम घट जाए, ड्राइव डाउन हो गया, तो घटना होता है। टू मेक समथिंग सच एज प्राइजेस फॉल क्विकली, बहुत तेजी के साथ घटना, डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं भाई, ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये स्पेशली प्राइस के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली। आगे लिखा हुआ है फ्रेगमेंट, कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेगमेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का बहुत छोटा सा हिस्सा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, उसमें से आपने सिर्फ 10 रुपए निकाल लिए, क्या हो गया भाई, फ्रेगमेंट हो गया, या स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत छोटा सा भाग। अब देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, ईयरमार्क, बहुत अच्छा वर्ड है भाई ईयरमार्क। इसका मतलब टू डिसाइड, निर्णय लेना, डेट की क्या निर्णय लेना भाई, समथिंग विल बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी चीज को हम इस्तेमाल करेंगे किसी विशेष उद्देश्य के लिए। तो आप इसको ये कह सकते हैं, ईयरमार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईयरमार्क का मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लेना, तो इसे ईयरमार्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड चल रहा है, तो आप इस चीज को समझें ऐसे कि कोविड चल रहा है, तो उसमें अभी जो एक दवा बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा, तो अब उसको क्या कर लिया, उसको डिसाइड कर लिया, लेकिन वो डीआरडीओ ने किस चीज के लिए बनाई, कैंसर के लिए, लेकिन अब उसका कोविड पे भी टेस्ट हुआ तो वो बड़ी इफेक्टिव निकली कि भाई उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है उसका, और मरीज सही हो रहे हैं, जल्दी मरीज सही हो रहे हैं उसके। तो अब सरकार ने क्या किया, डिसाइड कर लिया किस चीज के लिए, डिसाइड कर लिया कि अब इसका यूज किया जाएगा किस चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस, यानी कोविड मरीजों से हमें जो कोविड के मरीज हैं वो सही हो जाए जल्द से जल्द, तो उसके लिए हम यूज करेंगे उसका, तो ईयरमार्क हो गया। आगे तो बढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है, रेकिन, बहुत अच्छा वर्ड है, रेकिन इसका मतलब होता है टू अर्न, यानी कमाना, क्या कमाना भैया, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाना, इजी वे, बहुत आसान तरीके से पैसा कमाना। वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे आजकल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है बहुत भारी मात्रा में नकली बेचे जा रहे हैं, तो लोग बड़े इजी वे में पैसा कमा रहे हैं। आप देख रहे होंगे भाई उसमें नमक का पानी भर देते हैं उसमें और उसको लाखों में बेच रहे हैं, तो भाई ये इजी वे में तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। लेकिन इसका मतलब, इस मीनिंग का मतलब, रेकिन का मतलब क्या होता है भाई, बहुत आसान तरीके से पैसा कमाना होता है। चलिए आगे तो बढ़ते हैं भाई, बहुत प्यारा वर्ड आया है बच्चों, बीफ। बीफ माने वैसे गाय का मांस होता है, लेकिन बीफ अप अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, टू मेक समथिंग बिगर, यानी कोई ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जैसे बड़ी मात्रा, जैसे बड़ा बना दिया जाए, कोई भी चीज जैसे बड़ा बना दिया जाए, आप जैसे टू मेक समथिंग बिगर, कोई चीज बड़ी होना, या आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी पार्ट का, मतलब जैसे कोई पार्ट है मेरे पास उसका बड़ा होना। आगे इधर बढ़ते हैं भाई, अगला जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ओहो बहुत अच्छा वर्ड है भाई, लिखा हुआ है आयरोनिक का मतलब हो गया अपोज, यानी किसी का विरोध करना, एक तरीके से किसी के विरुद्ध हो जाना। आप बोल सकते हैं अगेंस्ट भी, अगर आप यहाँ पे लिख दें अगेंस्ट तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सही है अगेंस्ट। आगे तरफ देखते हैं भाई, अगला जो वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है ड्यूपोली, बहुत अच्छा वर्ड है भाई ड्यूपोली। देखिए, अ सिचुएशन इन विच ओनली टू कंपनीज डू ऑल द ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ड्यूपोली का मतलब होता है केवल दो ही ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट या सेवा बना रही है और कोई दूसरी नहीं बना रही। वैसे भारत में अगर आप देखें तो भारत में दो ही ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही है, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और दूसरा भारत बायोटेक बना रहा है, तो ये ड्यूपोली है भैया, सीधी सी बात है, ड्यूपोली हो गई, और कोई वैक्सीन बना ही नहीं रहा भारत के अंदर। अच्छा, इसी को आगे तरफ देखते हैं, इसी से जुड़े हुए वर्ड एक दिया हुआ है मोनोपोली, ये तो आप जानते हैं भाई, एक अधिकार होना, मतलब सिर्फ वन कंपनी डू ऑल द ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, एक ही कंपनी सेवा दे रही है, एक ही कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, मोनोपोली हो गया। अच्छा, इसी में एक प्यारा सा वर्ड और जुड़ा हुआ है, जरा ध्यान देंगे, लिखा हुआ है ओलिगोपोली, इसका मतलब क्या हो गया भाई, फ्यू कंपनीज, यानी कुछ कंपनियां, यानी कुछ कंपनियों का मतलब ये भी एक ना के बराबर ही हो गया, यहाँ पे दो कंपनियों की बात नहीं होगी, यहाँ पे हो सकता है 5-7 कंपनियां हो, बट ये फ्यू कंपनीज ही होगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू ऑल दी ट्रेड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, सेम चीज है। तो आप ये तीनों के तीनों वर्ड आपको विशेष रूप से याद रखने होंगे, तो ये तीनों वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूपोली हो गया आपका, मोनोपोली हो गया, और आपका ओलिगोपोली हो गया। अच्छा, इसी में एक लास्ट वर्ड है, अभी थोड़ी पहले मैं आपको बताया था रेंज का मतलब क्या होता है, आपको बताया था लगाम, लेकिन अगर वहाँ पे वो फ्रेज था, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू गिव कंट्रोल टू समथिंग एल्स, टू गिव कंट्रोल यानी किसी को नियंत्रण देना, टू समथिंग एल्स किसी व्यक्ति पर कंट्रोल देना। तो आप यहाँ पे इस चीज को समझना, अगर कंट्रोल ओवर लगाते हो ना बच्चों, आप कंट्रोल ओवर लगाते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण होना, लेकिन टू गिव कंट्रोल यानी अधिकार देना, समबडी एल्स किसी बात, किसी व्यक्ति से अधिकार देना, यानी छीनकर अधिकार देना उस चीज में, इसको दी रेंज को यूज करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो ऐसे ही वीडियो में आप ये बनाता रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।